अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स हैलिडे रेजनिक वॉल्कर का 10th एडिशन है। चैप्टर नंबर 9 सेंटर ऑफ मास एंड द लीनियर मोमेंटम, प्रॉब्लम नंबर 33 है। हमें एक फिक दी गई है, 0.3 केजी की बेस बॉल है। जस्ट बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन हमें एक केस दिखाया जा रहा है। वो कहते हैं इब्तदाई वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड है, एंगल 35 डिग्री है, बिलो द हॉरिजेंटल आपको एंगल दिख रहा है ये। वो कहता है ट्रेवलिंग डायरेक्टली अपवर्ड, टक्कर लगने के बाद वो अपवर्ड मूव करती है, वेलोसिटी v2 है और आपके पास उसका जो टक्कर के बाद की वेलोसिटी है वो कितनी है 10 मीटर, पहले कितनी थी 12 मीटर। कोलिजन टाइम कितना है 2 मिलीसेकंड है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पूछ रहा है हमसे इम्पल्स की, फिर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पूछ रहा है एवरेज फोर्स की। तो जनाबे वाला पहले हम मोमेंट देखते हैं कि चेंज क्या है। इनिशियल मोमेंटम अगर हम देखें तो आपके पास ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका एंगल जो बनेगा 35 में 180 जमा करेंगे 180 तो 215 आ जाएगा। तो आपके पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ काउंटर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने एंगल को देखा है। अब आपको एम वी आई कॉस थीटा, शुरू की वेलोसिटी भी पता है, शुरू का आपको मास भी पता है और अब आपको एंगल भी पता है। तो दोनों कंपोनेंट निकल आएंगे, माइनस के 2.94 आ जाएगा और माइनस के 2.06 आ जाएगा। फाइनल मोमेंटम की बात करें तो ये अब वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है पॉजिटिव वाई एक्सिस की जानी, तो इसका मतलब 90 एंगल बनेगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिहाज से। तो अब आप कह सकते हैं कि 0.3 फाइनल वेलोसिटी 10 है, एंगल 90 है, तो ये तो जीरो हो जाएगा। यहाँ पे ये 3 केजी मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अब आपको चेंज इन मोमेंटम पता है एक्स एक्सिस का, तो हम फाइनल माइनस इनिशियल लेके सॉल्व कर लेंगे तो ये आपके पास एक्स एक्सिस की चेंज आ जाएगी। अब आपको चेंज इन मोमेंटम पता है वाई एक्सिस का, तो इन दोनों को लेके सॉल्व करेंगे तो वाई एक्सिस की चेंज आ जाएगी आपके पास। अब दोनों एक्सिस के चेंज पता है तो नेट चेंज निकाली जा सकती है, एक्स कंपोनेंट का स्केयर प्लस वाई कंपोनेंट का स्केयर स्केयर रूट। तो आपके पास सारे को लेके सॉल्व करते तो 5.86 केजी मीटर पर सेकंड आता। डायरेक्शन की बात करते हैं तो वाई कंपोनेंट ओवर एक्स कंपोनेंट टैन है, सिंपल सा, तो 59.8 आता पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिहाज से। एवरेज फोर्स की बात करें तो जे बाई डी टी आ जाएगा, जे भी पता है टी भी पता है, तो 2930 न्यूटन 2.9×10³ न्यूटन लगाया जा सकता है। अब ये जो एवरेज फोर्स है बॉल के वेट से बहुत ज्यादा है, तो इसका अंदर ग्रेविटी का इतना इफेक्ट नहीं आने वाला, तो डायरेक्शन जो एवरेज फोर्स की वो जे वाली ही रहने वाली है और वही एंगल होगा उसका क्योंकि बराबर होता है, तो 59.8 डिग्री ही आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिहाज से उसका एंगल आएगा फोर्स का भी, एवरेज फोर्स का भी। तो ये जनाब हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इस पर कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।